भाई और बहनों नमस्कार। जैसे आप जानते हैं, कुछ दिन पहले मैं हाथरस गया। जाते वक्त मुझे रोका गया। पहली बार अरेस्ट कर दिया गया, दूसरी बार मैं चला गया। मुझे बात समझ नहीं आई, मुझे रोका क्यों जा रहा है, मुझे उस परिवार से मिलने क्यों नहीं दिया जा रहा है। उनकी बेटी की हत्या हुई, उनकी बेटी का बलात्कार, मुझे क्यों रोका जा रहा है। जैसे मैं उस घर के अंदर पहुंचा, जैसे मैंने परिवार से बात करनी शुरू की, बात समझ आई सरकार ने पीड़ितों पर आक्रमण शुरू कर रखा था। अपराधियों की मदद सरकार का काम नहीं होता है, अपराधियों की रक्षा सरकार का काम नहीं होता है। सरकार का काम पीड़ितों को न्याय देने का होता है, अपराधियों को जेल में डालने का। ये काम उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं कर रही थी, इसीलिए मुझे रोका जा रहा था। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, सरकार को कहना चाहता हूं, आप अपना काम करना शुरू कीजिए। अपराधियों को जेल में डालने का काम कीजिए, पीड़ितों को बचाने की और उनकी रक्षा करने का काम शुरू कीजिए। यह सिर्फ एक महिला की कहानी नहीं है, यह हिंदुस्तान में लाखों महिलाओं की कहानी है। लाखों महिलाएं सरकार की ओर देख रही है और सरकार अपना काम नहीं कर रही है। हम सबको सरकार पर दबाव डालना है, समाज को बदलना है, क्योंकि जो हमारी माताएं और बहनों के खिलाफ इस देश में किया जाता है वो सरासर अन्याय है। धन्यवाद। जय हिंद।